आज हम लोग बात करेंगे लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सम वाइटल डाटाज ऑफ पीएट बोगी। पीएट बोगी में दैट इज आपको एलएचबी बोगी में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। कहाँ से कैसे कैसे आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज वर्टिकल लोड, ट्रैक्टिव फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स एंड लेटरल फोर्सेस हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। इसके अलावा बोगी का कुछ डाटा, वाइटल डाटा जो है उसका बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द ऑफ दिस सेशन हम लोग कंपैरिजन करेंगे आईसीए बोगी का साथ एलएचबी बोगी का, डिफरेंट पार्ट्स एंड इट्स फीचर्स का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है देखिए ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसमिशन। ट्रैक्टिव फोर्स कैसे ट्रांसमिशन होता है कोस से बॉडी बोगी में, इसी में बात करेंगे। फर्स्ट देखिए यहाँ हम लोग ये हैं बॉडी, कोस बॉडी में फर्स्ट जो लोड आता है कोस बॉडी में वहाँ से कहाँ जाता है, बॉडी बोगी कनेक्शन। बॉडी बोगी कनेक्शन से कहाँ जाता है हम लोग जानते हैं, बॉडी बोगी कनेक्शन इज कनेक्टेड विद द बोगी बोस्टर। बोगी बोस्टर से कहाँ जाता है, बोगी बोस्टर पिन में, क्योंकि हम लोग काल बोले थे जो बोगी बोस्टर का साथ एक पिन रहता है वो पिन जाके आपको ट्रैक्शन सेंटर में जाके घुसता है। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं ट्रैक्शन सेंटर। ट्रैक्शन सेंटर का साथ आपको ट्रैक्शन लीवर है, उसका बाद आपको ट्रैक्शन रॉड है जिसको हम लोग एंकर लिंक भी बोलते हैं, उसी का साथ बोगी क्रॉस बीम का साथ कनेक्शन है, दैट इज बोगी का साथ आपको कनेक्टेड है। तो बोगी फ्रंट सेम से कहाँ जाएंगे, बोगी साइड फ्रेम में आपका कंट्रोल आर्म कनेक्टेड है, वही कंट्रोल आर्म से आपको एक्सेल एंड व्हील में जाके आपको व्हील को जो है मूवमेंट कराएंगे। दिस इज द ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसमिशन ऑफ द एलएचबी कोच, दैट इज एलएचबी कोच से कैसे आपको बोगी में लोड ट्रांसमिशन होता है, ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसमिशन होता है, इसका बारे में हम लोग बात किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम एक और ये दिए हैं, छवि दिए हैं जो आपको ट्रैक्शन सेंटर का, इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें और डिटेल्स में आपको अगर देखना है ये भी देख सकते हैं कैसे कैसे हम लोग बोले हैं बॉडी, उसका बाद बॉडी बोगी कनेक्शन जो बोस्टर में आपको रहता है, बॉडी बोगी कनेक्शन चार्ट जो है वहाँ से जाता है आपका बोस्टर में, बोस्टर से बोस्टर पिन में, बोस्टर पिन कनेक्टेड है आपका ट्रैक्शन सेंटर का साथ, ट्रैक्शन सेंटर का साथ देखिए ट्रैक्शन सेंटर यहाँ से, उसका बाद लीवर है, लीवर से जाता है ट्रैक्शन रॉड में, ट्रैक्शन रॉड हम लोग बोले थे इसको एंकर लिंक है, दिस इज कनेक्टेड विद द बोगी क्रॉस बीम, बोगी क्रॉस बीम का साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, इसलिए जो है इसमें ये जाता है आपका बोगी में। तो बोगी से जो है उसका बाद जाता है बोगी साइड फ्रेम में, बोगी साइड फ्रेम से हम लोग जानते हैं बोगी साइड फ्रेम का साथ आपको कंट्रोल आर्म कनेक्टेड है, कंट्रोल आर्म का एक एंड जो है आपको जर्नल का साथ कनेक्टेड है, दैट इज आपको बियरिंग का साथ कनेक्टेड है, अल्टीमेटली इट गोज टू द एक्सेल एंड व्हील। तो फ्रेंड दिस इज द ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसमिशन ऑफ द एलएचबी कोचेस फ्रॉम द बॉडी टू द बोगी। नेक्स्ट है हम लोग का वर्टिकल लोड ट्रांसमिशन। वर्टिकल मतलब आपको वर्टिकली जो कोच ट्रांसमिशन होता है कोच बॉडी से बोगी में, ये जो है आपका आर्ट में, उसी का बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है आपको कोच बॉडी, मानी बॉडी में आपको जो है वहाँ से लोड पहले आपको जो है ना कोच बॉडी में आता है, वहाँ से जो है आपका बॉडी बोगी कनेक्शन, बॉडी बोगी बोगी कनेक्शन से आपको आता है बोगी बोस्टर में, बोगी बोस्टर का साथ कनेक्शन है आपको सेकेंडरी सस्पेंशन, सेकेंडरी सस्पेंशन से जाता है बोगी साइड फ्रेम में, बोगी साइड फ्रेम से कहाँ जाता है आपका जो है ना पूरा बोगी में जाता है, इसका मतलब है आपका बोगी का साथ आपको प्राइमरी सस्पेंशन लगा हुआ है, इसलिए प्राइमरी सस्पेंशन में जाता है अल्टीमेटली। उसका बाद प्राइमरी सस्पेंशन का नीचे में लगा हुआ है आपको कंट्रोल आर्म, तो कंट्रोल आर्म से जो है आपका बियरिंग, कंट्रोल आर्म का अपर पोर्शन जो है अपर पार्ट ऑफ द कंट्रोल आर्म, वो उसका नीचे में जो है आपका जो कि चक्का का साथ कनेक्टेड है तो उसमें बियरिंग लगा रहते हैं जो कि जर्नल का साथ, अल्टीमेटली गोज टू द एक्सेल, एक्सेल से आपको व्हील में, व्हील से जाता है आपको ट्रैक में, एज यू नो द व्हील इज ऑन द ट्रैक, तो ट्रैक से अल्टीमेटली इट गोज टू द आर्ट, मतलब ट्रैक से जो है वो आर्ट में लोड ट्रांसमिशन होता है।
तो दिस इज द वर्टिकल लोड ट्रांसमिशन ऑफ एलएचबी कोचेज फ्रॉम द बॉडी टू द बोगी। नेक्स्ट है हम लोग का जो है लेटरल फोर्सेस। तो लेटरल फोर्सेस आपको कैसे जाता है हम लोग जानते हैं। लेटरल फोर्स से आपको जो है ना बॉडी, बॉडी से आपका बॉडी बोगी कनेक्शन, वहाँ से जाता है आपका बॉडी बोगी कनेक्शन से बोस्टर, बोस्टर से जाता है आपका सेकेंडरी सस्पेंशन। हम लोग जानते हैं इसे फ्लैक्सी कॉयल बोलते हैं इसको, सेकेंडरी सस्पेंशन। तो वहाँ से जाता है अल्टीमेटली बोगी साइड फ्रेम। तो बोगी साइड फ्रेम का साथ आपको कनेक्टेड है आपका ये कंट्रोलम। तो कंट्रोलम जो है इट इज़ द फ्लैक्सी कॉयल, सॉरी बॉल पिन जॉइंट, दैट इज इलास्टिक कंट्रोलम है। उसका बाद कनेक्शन होता है वो एक्सेल का साथ, दैट इज व्हील जो है आपको मूव करते हैं। लेटरल फोर्स आपको ट्रांसमिशन होता है। तो दिस इज द लेटरल फोर्स ट्रांसमिशन ऑफ द एलएचबी बॉडी टू बोगी, दैट इज बॉडी। बॉडी से जाता है आपका बॉडी बोगी कनेक्शन, उसका बाद सेकेंडरी सस्पेंशन, सेकेंडरी सस्पेंशन फ्लैक्सी कॉइल में, उसका बाद जाता है बोगी साइड फ्रेम में। बोगी साइड फ्रेम से आपको जाता है कंट्रोल आर्म, दैट इज आपका कंट्रोल आर्म में जाता है बॉल जॉइंट बाय इलास्टिक कंट्रोल आर्म। उसका बाद जाता है एक्सेल या व्हील। ये हो गया आपका लैटरल फोर्स ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है आपका ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसमिशन। ब्रेकिंग फोर्स में हम लोग जानते हैं गाड़ी को जो हम लोग रोकते हैं वो पहले जो है ब्रेक फोर्स अप्लाई होता है आपको। ब्रेक सिलेंडर में हम लोग प्रेशर डेवलप करते हैं, तो ब्रेक फोर्स ब्रेक सिलेंडर से आपको जो है पिस्टन में, पिस्टन से पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड से आपको वो ब्रेक लीवर, लीवर से होते हुए वो जाता है ब्रेक पैड में, ब्रेक पैड से आपको जो है डिस्क में, डिस्क से डिस्क इज कनेक्टेड टू द एक्सेल सो दैट इट विल ट्रांसमिट द ब्रेकिंग फोर्स इनटू द व्हील। तो व्हील को जो है रोक देते हैं, व्हील को रोक देने से आपको जर्नल को भी रोकते हैं। जर्नल के साथ बियरिंग कनेक्टेड है, तो बियरिंग के साथ कंट्रोल आर्म कनेक्टेड है। तो कंट्रोल आर्म जो है आपका बोगी को भी, आपको बोगी साइड फ्रेम को भी आपको कनेक्ट करते हैं। तो बोगी साइड फ्रेम को भी आपको रोकने के लिए कोशिश करते हैं। वहाँ से जाता है आपका बोगी साइड फ्रेम से हम लोग जाता है अल्टीमेटली क्रॉस बीम में। तो क्रॉस बीम से आपको जाता है ट्रैक्शन सेंटर में। ट्रैक्शन सेंटर से आपको ट्रैक्शन सेंटर माने थ्रो आपको लीवर, दैट इज एंकल लिंक, उसका बाद लीवर होते हुए ट्रैक्शन रॉड एंकल लिंक, दैट इज ट्रैक्शन रॉड और एंकल लिंक होते हुए जाएगा आपको ट्रैक्शन लीवर में। वहाँ से जाएगा आपको ट्रैक्शन सेंटर में। तो ट्रैक्शन सेंटर के साथ आपको पिन लगा रहता है बोस्टर पिन, वो पिन होते हुए आपको जाएगा बोस्टर में। बोस्टर से बॉडी बोगी कनेक्शन, उसके बाद पोस्ट बॉडी, पोस्ट बॉडी के से आपको जो है सीवीसी कपलिंग में आपको लोड ट्रांसमिशन होगा। सीवीसी कपलिंग जो है बॉडी के साथ कनेक्शन है, इसलिए जो है आपको सीवीसी कपलिंग में जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो है सीवीसी जो है सेंटर अपर कपलर पॉपिंग का फोर्स का पोस्ट का भी काम करते हैं, ये आपको जो है कपलिंग का भी आपको काम करते हैं। दिस इज द ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसमिशन ऑफ फ्रॉम एलएचबी बॉडी टू द एलएचबी बोगी टू द बॉडी। नेक्स्ट है पेरेंट्स हम लोग का जो है कुछ डाटा हम लोग देखेंगे आज यहाँ। जैसे आईसीएफ में भी बहुत सारे डाटे हम दिए थे, उम्मीद है आप लोग याद किया होंगे। इसमें भी आपको कुछ डाटा हम लोग दे रहे हैं। जैसे लेंथ ऑफ द एलएचबी बोगी वहाँ था आईसीएफ का था आपको 3950 मिलीमीटर, लेकिन एलएचबी बोगी उससे थोड़ा सा जो है आपका लेंथ में कम है, ये है आपको 3534 मिलीमीटर विद्ध जो होता है एलएचबी बोगी का 3030 मिलीमीटर। ठीक है, एलएचबी बोगी का जो आपका होता है ये विद्ध जो होते हैं वो है आपको 3030 मिलीमीटर माने 3030 मिलीमीटर। वेट ऑफ द फिएट बोगी आपका 3600 केजी और 6.3 टन्स 6.3 टन्स और 6300 केजी। एज यू नो द वेट ऑफ द फिएट बोगी
आई शेप होगी इज 6.2 टॉन्स और 6200 केजी इनर हुक व्हील डिस्टेंस, मतलब आपको दो जो बोगी होते हैं आपका एक होस्ट में, तो दोनों बोगी का जो इनर डिस्टेंस इनर व्हील जो डिस्टेंस है इनर व्हील डिस्टेंस होते हैं उसका डिस्टेंस है आपको 12345, दैट इज 12345 मिलीमीटर आपका जो इनर व्हील डिस्टेंस। तो इनर व्हील डिस्टेंस जनरली आपको दोनों बोगी का जो इनसाइड वाला जो व्हील है उसी का सेंटर डिस्टेंस है। एक्सेल डिस्टेंस दैट इज द व्हील बेस डिस्टेंस ऑन द सेम बोगी इज 2560 जो कि आपको आईसीए में होता है 2896 मिलीमीटर। न्यू व्हील डिस्टेंस हम लोग जानते हैं न्यू व्हील डिस्टेंस 915 मिलीमीटर होते हैं, बट इन केस ऑफ आईसीए बोगी इट इज ऑल्सो 915 मिलीमीटर। कॉन्डेमिंग साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ द एलएचबी बोगी जो व्हील हम लोग कॉन्डेम करते हैं वो 855 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस बिटवीन द व्हील, दो व्हील का बीच में एक एक्सेल का दो व्हील का बीच में जो सेंटर डिस्टेंस है दैट इज दोनों व्हील का इनर डिस्टेंस जो होते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स ऑन द सेम एक्सेल इज 1600 मिलीमीटर। ये 1599 से आपको 1602 मिलीमीटर तक हम लोग जो है इसमें टॉलरेंस रख सकते हैं, तो स्टैंडर्ड है आपको 1600 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपको डिस्क का जो ब्रेक है, ब्रेक डिस्क हम लोग जो लगाते हैं तो उसमें जो डिस्क लगाते हैं उसका डायमीटर होता है मैक्सिमम जो है ना 640 मिलीमीटर। विथ जो होता है डिस्क का उसका विथ है आपको 110 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपका स्पीड लिमिट ऑफ द एलएचबी कोचेज, स्पीड लिमिट कितना है आपका एलएचबी कोच जो हम लोग यूज़ करते हैं इसका टेस्ट स्पीड किया गया था 180 kmph विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, 180 kmph आपको जो है इसका टेस्ट स्पीड था। इसमें जो है आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड दिया गया है 160 kmph, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड दिया गया है 160 kmph, मतलब आपको 160 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी को चला सकते हैं, लेकिन अभी जो है गाड़ी जो चलता है 140 kmph मैक्सिमम जो है आपका परमिसिबल स्पीड जो है एलएचबी कोच का 140 kmph। मैक्सिमम टेस्ट स्पीड जो होते हैं वो आपको जो है ना 200 किलोमीटर पर आवर हो सकता है विथ माइनर मॉडिफिकेशन। हम लोग जो है ये गाड़ी को मैक्सिमम जो है आपको 200 किलोमीटर तक चला सकते हैं, टेस्ट स्पीड कर सकते हैं इफ वी मॉडिफाई इट, मतलब आपको कुछ मॉडिफिकेशन अगर करेंगे तो आपको जो है गाड़ी का स्पीड 200 किलोमीटर तक चला सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हम लोग का जो है यहाँ कंपैरिजन ऑफ सैलियर फीचर्स ऑफ P8 बोगी अगेंस्ट द आईसीए बोगी, यहाँ P8 बोगी और आईसीए बोगी का कुछ कंपैरिजन हम लोग करेंगे आज। ये कंपैरिजन में आपको जो है ना क्या क्या कंपैरिजन है, स्पीड हम लोग देखते हैं आपका आईसीए में जो है मैक्सिमम जो है आपका 140 मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो होते हैं 140 kmph, बट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है एलएचबी के लिए 160 kmph, टेस्टेड स्पीड 180 किलोमीटर, पोटेंशियल फॉर द ऑपरेशन 200 kmph हम लोग चला सकते हैं, मतलब मैक्सिमम टेस्टेड स्पीड हम लोग कर सकते हैं 200 kmph में। नेक्स्ट है बोगी फ्रेम, ये आई टाइप का है आई शेप का, और एलएचबी में जो बोगी हम लोग यूज़ करते हैं ये जो है आपका एस टाइप का आपका कंस्ट्रक्शन है, मतलब P8 बोगी जो हम लोग यूज़ करते हैं एस टाइप का है, और आई शेप में जो बोगी हम लोग ऑल कॉयल बोगी यूज़ करते हैं एज है आपको आई टाइप का। नेक्स्ट है आपका व्हील बेस, तो आई सी एफ में जो बोगी का जो व्हील बेस है दैट इज द 2896 दैट इज द व्हील डिस्टेंस व्हील सेंटर डिस्टेंस इन बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द एक्सेल ऑन द सेम बोगी व्हील इज 2896 मिलीमीटर, बट वेयर इन केस ऑफ फीएट बोगी इट विल बी 2560
तो हम लोग जानते हैं जितना आपका व्हील बेस कम होंगे उतना कार्बनिक उत्सर्जन में आपका जो है ना वियरिंग ऑफ द व्हील कम होंगे, गाड़ी स्पीड ज़्यादा जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है व्हील डायमीटर है आपको 915 मिलीमीटर इन न्यू कंडीशन। कॉन्डिमिंग जो होते हैं आपका 827 मिलीमीटर, वायरस इन केस ऑफ LHB बोगी दैट इज PH बोगी 915 मिलीमीटर इज द न्यू साइज एंड 855 मिलीमीटर इज द कॉन्डिमिंग साइज। नेक्स्ट है हम लोग का ब्रेक, हम लोग जो यूज़ करते हैं एक क्लैप्स टाइप का आपको ब्रेक हम लोग यूज़ करते हैं चक्का के साथ आपको ब्रेक यूज़ करते हैं और उसी से आपको जो है ब्रेक को सप्लाई होता है। बट इन केस ऑफ PH बोगी इट इज़ एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक हम लोग यूज़ करते हैं, एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ PH बोगी। नेक्स्ट है ICF में जो बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं ये डबल रो सेल्फ अलाइन स्पेरिकल रोलर बियरिंग, स्पेरिकल रोलर बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ ICF बोगी। बट इन केस ऑफ PH बोगी वी यूज इज द CTRB यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, CTRB हम लोग यूज़ करते हैं। ये नो फील्ड लुब्रिकेशन है, मतलब आपको POH टू POH जो है इसमें कोई लुब्रिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है इन केस ऑफ PH बोगी। नेक्स्ट है प्राइमरी सिंगल स्प्रिंग है ICF में, प्राइमरी में हम लोग देखे थे सिंगल कॉयल था आपका जो है एक ही स्प्रिंग दैट इज आउटर स्प्रिंग हम लोग लगाए थे, लेकिन वायरस इन केस ऑफ PH बोगी इट इज़ हैविंग द आउटर एंड इनर आपको जो है स्प्रिंग यूज़ करते हैं, दैट इज़ आपको 2 नंबर्स स्प्रिंग हम लोग यूज़ करते हैं आपका एक एक जो है साइड में, एक एक साइड में एक एक कॉर्नर में जो है हम लोग आपको 2 नंबर्स आपको जो है कॉयल स्प्रिंग हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपको लिमिटेड नॉइस कंट्रोल टीशर्ट्स है आपको ICF बोगी में, इसमें जो है नॉइस ज़्यादा होते हैं। बट इन केस ऑफ PH बोगी नॉइस कंट्रोल बाय द यूजिंग द थिक रबर पैड, इसमें जो है आपका मोटा रबर पैड दे के जो है आपका नॉइस को कंट्रोल करते हैं ताकि जो है कोई नॉइस ना हो आपको ड्यूरिंग मूवमेंट दैट इज रनिंग कंडीशन। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्प्रिंग इन लोअर स्प्रिंग बीम, सेकेंडरी स्प्रिंग जो है ICF में सेकेंडरी स्प्रिंग बूस्टर में जहाँ हम लोग स्प्रिंग यूज़ करते हैं दैट इज सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम, उसमें जो है आपका स्प्रिंग को हम लोग जो रखते हैं वो उसका नीचे में लोअर स्प्रिंग बीम रहता है। बट वायरस इन केस ऑफ PH बोगी देयर इज नो सच टाइप ऑफ आपको हैंगिंग डिवाइसेस, इट इज़ डायरेक्टली माउंटेड ऑन द बोगी साइड पे। तो ये जो है मोर जो है आपका रिलायबल है, इसमें जो है एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। नेक्स्ट है कोस्ट लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू द साइड बेयरर 100%, हम लोग जानते हैं चार्ज आपको साइड बेयरर है और इसी में जो है 100% लोड जो ट्रांसमिशन होता है आपको फ्रॉम द बॉडी टू द बोगी थ्रू दिस साइड बेयरर इन केस ऑफ ICF कोचेज। बट इन केस ऑफ PH बोगी इट इज टोटल लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द बॉडी टू द बोगी थ्रू द बॉडी बोगी कनेक्शन, बॉडी बोगी कनेक्शन द्वारा जो है आपका पूरा टोटल लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट है सेंटर पिवट ट्रांसफर, सेंटर पिवट ट्रांसफर द ट्रैक्टिव एंड द शॉक लोड, यहाँ जो है आपको ICF में सेंटर पिवट सेंटर पिन एंड सेंटर पिवट, सेंटर पिवट इज माउंटेड ऑन द बोगी बोस्टर। तो यहाँ जो लोड ट्रांसमिशन होता है ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसमिशन, तो सेंटर पिन और बॉडी का सेंटर पिन और सेंटर पिवट द्वारा हम लोग ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द बॉडी टू द बोगी। बट इन केस ऑफ PH बोगी तो ट्रैक्शन सेंटर जो है आपका सेंटर पिवट आपका नहीं है, उसमें ट्रैक्शन सेंटर है और पिन रहता है आपका बोगी बोस्टर में, लेकिन ICF में था बॉडी बोस्टर में, यहाँ जो है बोगी बोस्टर में पिन है और वहाँ से जो है आपका पिन द्वारा हम लोग ट्रैक्शन सेंटर होते हुए वो आपका बोगी में लोड ट्रांसफर होता है ट्रैक्टिव फोर्स या ब्रेकिंग फोर्स। नेक्स्ट है आपको राइड इंडेक्स,
ट्रांसवर्स में आपको 3.5 है ICF के लिए, वर्टिकल है 2.5, दैट इज आपका ICF में 2.5 टू 3.5 तक आपको वेरी करते हैं, लेकिन PL बोगी में केवल 2.5 टू 2.75 है, दैट इज इट इज मोर कम्फर्टेबल जर्नी फॉर द पैसेंजर। नेक्स्ट है एंटी रोलिंग फीचर्स, नो सच अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर एंटी रोलिंग फीचर्स, जो है नो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड। ICF बोगी में एंटी रोलिंग जो फीचर्स है बाबा, एंटी रेजिस्टेंस ऑफ द रोलिंग मोमेंट ऑफ द बोगी जो है आपको जो दिया गया जाता है LHB में, बट ICF में है ही नहीं है। लेकिन इसमें जो LHB बोगी में जो दैट इज PL बोगी में जो है एंटी रोल पर दिया गया है, जिसमें जो है वो रेजिस्ट करते हैं आपको टेंडेंसी ऑफ रोलिंग को। नेक्स्ट है आपको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड बहुत ही ज़्यादा है आपको ICF में, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको पार्ट्स है, बट वेरस इन केस ऑफ PL बोगी इसका पार्ट्स जो है आपको बहुत ही कम है, इसलिए इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही कम है। एज यू नो जो इसमें ICF में जो है आपका PUH होता है आपको 1.5 ईयर्स में, बट इन केस ऑफ LHB PL बोगी इसका PUH जो होता है आपको जो है 3 साल का बाद, अप टू 3 ईयर्स। वेट ऑफ द बोगी जो होते हैं आपका ICF में 6.2 टन्स और वेट ऑफ द बोगी LHB के लिए 6.3 टन्स। तो फ्रेंड्स ये है हम लोग का आज का जो टॉपिक्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, उम्मीद है आपको पूरा जानकारी मिल गया होंगे। तो ये था हम लोग का जो है LHB बोगी का टोटल जो है आपका डिटेलिंग्स। इसमें अगर कोई आपका प्रॉब्लम हो आप हमको कॉल कर सकते हैं, ये जो है हमको मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।